पीलीभीत के पूरनपुर तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित 4 सूत्रीय ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। वहीं भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के मंडल उपाध्यक्ष लालू मिश्रा ने बताया कि आवारा पशु किसानों की फसलों को लगातार बर्बाद कर रहे हैं, और वहीं जंगली जानवर जंगल से निकलकर आबादी वाले क्षेत्रों में लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। रुक रुक कर चल रही चीनी मिल को लेकर भी किसान काफी परेशान हैं। भूमाफिया नाले पाट कर कब्जा कर रहे हैं। ये सारी शिकायतों को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायतें की गई हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है। वहीं किसान यूनियन टिकैत गुट के लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द मांगों को पूरा किया जाए। मांगे पूरी ना करने पर बड़ा धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। अगस्त से अगस्त से जो हम कह रहे हैं कि ये आवारा पशुओं को पकड़वाया जाए, किसानों को कई कुछ चोटें आई हैं, कोई टूट फूट भी गया है, लेकिन आज ध्यान नहीं दिया किया गया है। तहसीलदार विशेष अभियान किसान यूनियन से मंडल उपाध्यक्ष बरेली मंडल बरेली लालू मिश्रा, आज 15 नवंबर से चीनी मिल चलवाने के लिए सभी अधिकारियों को अवगत कराया, जिला गन्ना अधिकारी को भी अवगत कराया। पहली बात तो फैक्ट्री इतनी लेट चली है, जो किसान की पेड़ी खड़ी हुई है, किसान मर रहा है, कब गेहूं बोएगा, क्या करेगा, लेकिन इन अधिकारियों ने किसानों की बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। अगर चीनी मिल समय से चलता तो कुछ नहीं, किसानों का एकड़ दो एकड़ गेहूं बो जाता। दूसरी चीज जो है कि ये आवारा पशु जो घूम रहे हैं, इनके लिए मैं अगस्त से बार बार सूचित करवा रहा हूं अधिकारियों को, लेकिन ये पशु आज तक नहीं पकड़े गए और ना जे पकड़वा रहे हैं। किसान मरा जा रहा है, रात दिन वो अपने खेतों में रखवाली कर रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।